मेरा नाम जानकी गोस्वामी है। मैं एक छोटे ग्राम सभा कुटरा से आती हूँ। मैं 2015 में समूह में जुड़ी आरएम के माध्यम से, इसमें 10 महिलाएं थी। फर्स्ट फंडिंग हमें 10,000 रुपया सरकार उत्तराखंड सरकार की तरफ से मिला था। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपना भी कुछ महिलाओं से, जैसे हम 600 रुपया जमा करके पैसा इकट्ठा, धन इकट्ठा करने आगे भी हम रोजगार करने लगे। अपना पर्सनल भी हमने 10 महिलाओं में 600 रुपया इकट्ठा करी और 10,000 वो मिल गई। तो उसमें हमने 2019 में मुझे अंतर्राष्ट्रीय मशरूम में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसमें ट्रेनिंग 3 दिवसीय की सरकार की तरफ से था, हमारे उत्तराखंड से, जो अंतर्राष्ट्रीय था। उसमें जब मैंने मशरूम, पहले दिन तो समझ में नहीं आई थी मशरूम क्या चीज़ है, जब दूसरे दिन हम मन से वहाँ पर बैठे देख रहे थे, जो लिखनी लगी थी और जो लोग भाषण वहाँ पर वक्ता थे बातें कर रहे थे, उसमें अच्छा अनुभव हुआ मुझे कि एक हमारी दिव्या रावत जी हैं गढ़वाल की, तो उसका नाम बहुत मशरूम गर्ल के नाम से आ रहा था। तो मेरे मन में भी थोड़ा सा विचार आया, मैं भी अपने गाँव में जाके अपने बहनों से ये विचार रखूँगी कि मशरूम में ये चीज़ें होती हैं, खाने से ऐसा होता, लगाने से ऐसा, ऐसे बेनिफिट क्या है और कैसे कैसे मिलता है करके। तो वहाँ से जब हम ट्रेनिंग लेके आई तो मैंने अपने ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर महिलाओं से संपर्क किया, इसकी चर्चा करी। तो उसमें फिर अपने ही गांव में मैंने जो भी कोई बात करके, हमारा कि जोलीकोट जो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ से कंपोस्ट बनता है नैनीताल जोलीकोट से, तो सब लोगों से वहाँ संपर्क करके मैंने अपने गांव में ट्रेनिंग कराई, तो ब्लॉक स्तर पर भी करा। तो मशरूम जैसे कि हम लोग जो समूह की महिलाएं होती हैं और दहन विभाग उसको 80% की सब्सिडी में देता है, जैसे उसका मोल रेट है 11,000 टन, और जैसे समूह की एस एच जी की महिलाएं हैं तो 80% सब्सिडी, मतलब 1 टन तुम्हारा 2400 में का मिला 1 टन, जैसे उसमें 100 बैग होते हैं, 10 का बैग होता है। तो वो अक्टूबर से शुरू होता है, नवंबर 15 तारीख तक वो हमें सप्लाई करते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें मैंने सभी महिलाओं को मैंने से अपने ग्राम सभा में कहा, लेकिन मेरे को हम लोगों को हमारी गंगा एस एच जी को बहुत बेनिफिट हुआ। हमारे वहाँ पहले 3 टन लगाया, फिर 4 टन लगाया, फिर नेक्स्ट साल तीसरे में 5 टन लगाए। लेकिन अगर मैंने पिछड़ा ग्राम ब्लॉक है वहाँ 3 भाई हमारे बाहर नौकरी कर रहे थे, उसमें कोरोना काल में बेचारी नौकरी छूट गई। तो मैंने ऐसे बैठ के उनको डिस्कस करी कि आप लोग खाली घूमो मत, ऐसे मशरूम की ट्रेनिंग करो, मशरूम लगाओ। तो उनको मैं वहाँ ले गई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो भारत मशरूम के नाम से है, सब लोगों ने उनको 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी थी। तो ट्रेनिंग के दौरान हमारा कोई पैसा नहीं पड़ता, TAD खाना रहना सब सरकार की तरफ से होती है। तो लेने के बाद हम लोगों ने वहाँ 3-4 लोगों ने मिलकर 15 टन मशरूम लगाया, जो उसमें हमने 1 लाख की लागत लगी, तो हमने 2.5 लाख रुपया कमाया होगा। और यहाँ भी जो हमने ब्लॉक स्तर पर गांव में लगाया था, 1 टन मैंने 2400 का लिया, तो मुझे कुछ नहीं तो 5,000 का बेनिफिट हुआ। 2400 का 1 टन लिया ना, 2400 का, तो मैंने उसमें 5,000 का बेनिफिट हुआ। लेकिन तीसरे साल मैंने कि जितने मैंने हमारे सम्मानित नेता लोग थे, अधिकारी गण थे, सब उसका मैंने प्रचार प्रसार करा, अपना खुद का प्रसार करा। उसी बदौलत मुझे आज हमारे जितने भी ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर हैं, समूह हैं और संगठन हैं, उन बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया मशरूम दीदी का। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मुझे आज मशरूम दीदी कहती हैं सभी, और मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो हम जैसी महिलाएँ गाँव में रहती थी, जो ब्लॉक तक नहीं जानती थी, कला और जिला तक नहीं जानती थी, वीडियो को नहीं जानती थी, DM साहब को नहीं जानती थी, और हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे SP कौन है, हम कहाँ पर कैसे बैठ के बात करेंगे और कैसे कहते हैं। मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, हमारी शादी तो 84 में हो गई थी, लेकिन मुझे जब 2015 में इसमें गंगा समूह में अध्यक्ष बनने का मौका मिला, संगठन की अध्यक्ष बनी, अभी मैं क्लस्टर में उप सचिव हूँ, और मैं एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, जो हम लोगों ने आंदोलन के मैं भाग लिया था, आज दो अभी दो उत्तराखंड दो, तो उसमें हमारी 42 जो भाई बहन शहीद हुए उसका हमें बड़ा खेत है, दुख भी होता है, मैं उनको नमन भी करती हूँ। किसी की को गुजरी, किसी की माँ गुजरी, तो उत्तराखंड मिला था हमने मुलायम सिंह, मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने उत्तराखंड के लिए बहुत संघर्ष किया कि हमारा एक अच्छा सुंदर उत्तराखंड बने, लेकिन पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा था। तो हम लोग ने इसकी भी लड़ाई करी थी, तिलक नगर दिल्ली में जाकर सांसद हमारे माननीय नरेंद्र तिवारी जी थे, हमने कहा आपने उत्तराखंड को मेरी छाती में बनेगा बोला, लेकिन हम लोगों को उत्तरांचल ये बता दो कि मैं कहाँ को चलूँगा, ना ये मेरे बेटे का नाम है ना मेरी बेटी का नाम है, हमें उत्तरांचल चाहिए। तो उन्होंने हमें उत्तर दिया था कि हम 1 महीने के अंतर्गत मैडम आपको उत्तराखंड बना के देंगे, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो हमने अटल जी से एक विनती करी कि अटल जी उत्तराखंड के बारे में अचल क्या कहते हैं फैसला करना, लेकिन उन्होंने अच्छा फैसला करा। मैं उनको भी सत्य लोग में है, उनकी आत्मा को शांति प्रार्थना करती हूँ। हमारे पूर्व राज्यपाल भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के भी रहे, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री
रहे, निरंतर तुलसी हरि जी की आत्मा को भी शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो कि हमें उत्तराखंड दे के, उत्तराखंड का नाम दे के हमें बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड में। और ज्यादा धन्यवाद तो 9 सालों में जो मोदी जी ने और धामी जी ने किया हम लोगों के लिए, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं महिलाओं की तरफ से भी उनको धन्यवाद भेजना चाहती हूँ। 9 सालों में धन्यवाद।